तो यार एक्चुअली जो है ना पेज का सो गुम हो चुका है, पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा इस पत्री से काम चलाते हैं। तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो है एक जो मशीनरी खोल के बैठी हूँ। एक्चुअली मैं जो हमारी जो एक ये वॉशिंग मशीन का पाइप था, ये हो चुका था ख़राब, और देखिए इधर से इसके पानी लीक होता था। तो कई जगह पे हमने टेप्स भी लगाई, लगा के सिक्योर किया, लेकिन अब ये बिल्कुल काम छोड़ चुका था। तो मैंने सोचा कि भाई पाइप लेके आए, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही ट्राई किया जाए और खुद ही लगाती हूँ पाइप। मैं घर में किसी के बाहर से कोई मैकेनिक मंगवा के लगाने से बेहतर यही है कि खुद लगा लूँ। तो मैं एक ये पाइप लगाने लगी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये है पुराना पाइप जो मैंने खोल चुकी हूँ मैं, और ये इस तरह इसके साथ सिक्योर किया हुआ था, इसके साथ टाइट किया हुआ था, और इसे क्लब कहते हैं। और व्यूअर्स ये था पुराना पाइप, और ये मैंने अब खोल लिया है। तो अब हम नए पाइप की तरफ चलते हैं और हम नया पाइप लगाएंगे। और ये है नया पाइप, ये था पुराना पाइप और अब ये है नया पाइप। तो अब हम नया पाइप लगाते हैं। और अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखें, इस तरह की तीन हैं एक बने हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। अगर हम ऐसे करें कि जिसमें फिट आएगा हम उसमें लगाएंगे। तो ये देखें इधर इसका सुराख है, और इसे काफ़ी नज़दीक जाके हमें दिखाना पड़ेगा। ये देखें, ये इधर इसका सुराख है, तो इधर हमने इसे फिट करना है। तो इधर अगर हम फिट करें तो ये जो है ये काफ़ी बड़ा है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इसे काट के तो इसे मैं लगाती हूँ, इसके साथ लगाती हूँ, क्योंकि ये फिर अच्छी तरह टाइट हो जाएगा। ये खुला खुला है तो इसको मैं काट लेती हूँ, तो फिर लगाती हूँ। तो व्यूअर्स मैं ये यहाँ पे छुरी ले आई हूँ, तो छुरी के साथ हम इधर से काट देंगे और मैं इसे काटती हूँ। आप उतनी देर तक ऐसे करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो लाल कलर के बटन जो है ना नीचे, उसे दबा दें। हाँ, दबा दिए ना। तो बस देखें ये भी कट गया है, आपके दबाते दबाते मैंने इसे भी काट लिया। तो देखें ये हमने काट लिया क्योंकि ये लूज़ था, तब हम इसे लगाएंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह टाइट लगाना है ताकि पानी जो है वो ज़रा भी लीक ना हो। तो अब हम इसके इधर समाद लगाएंगे या ग्लू वगैरह लगाएंगे, तो चले ग्लू लगाते हैं। तो यार इसे एक दफ़ा हम देख लें कि ये सही आ रहा है टाइट इसके अंदर, और देखें बिल्कुल ये इसके अंदर फिट सही टाइट आ रहा है। तो बस अब हम इसी को लेकर आगे चलते हैं और इसी पे हम समाद लगाते हैं। तो यार यहाँ पर कुछ औजार हैं, तो देखें यहाँ पर ये देखें इसके अंदर समाद ये पड़ा था, सुपर बॉन्ड। तो बस इसी से हम काम चलाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे खोल के तो देखें हमने सारे इर्द गिर्द लगा लिया। तो आई थिंक थोड़ा सा और लगा लेते हैं, जो कमी है वो पूरी कर लें, क्योंकि ये इसके साथ भी थोड़ा बहुत लग गया था। चलें बस ये हमने सारे इसके अंदर लगा लिया है, तो चलें अब हम इसमें फिट करते हैं। तो व्यूअर्स फिट करने से पहले हम जो ये क्लप है इसका, ये हम इसके ऊपर चढ़ा लेंगे, क्योंकि इससे हमने इसे अच्छी तरह टाइट करना है। आई थिंक क्लप को थोड़ा सा हमें खोलना पड़ेगा, तो उसे खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यार्स एक्चुअली जो है ना पेज का वो गुम हो चुका है, पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा इस पत्री से काम चलाते हैं। तो बस इसके बस अब हम इसे लगाते हैं अपने सुराख के ऊपर।
तो व्यूअर्स देखें, हमने अच्छी तरह इसे टाइट कर दिया है और अब हम इसे अगर ऊपर खींच के देखें तो ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा अपनी जगह से। तो इसका मतलब है कि बस अब हम इसे कुछ देर तक खुश्क होने देंगे ताकि जो हमने जो समाद लगाई है वो खुश्क हो जाए। तो बस हमने अच्छी तरह टाइट कर लिया है। तो इधर से हम जो है पाइप गुजार देंगे। तो बस इधर से हमने पाइप निकाल दिया। तो लास्ट पे इसका हम कैप बंद कर देंगे और देखें अब बस हम मशीन को हम सीधा कर देते हैं। तो व्यूअर्स देखें, हमने पाइप लगा लिया। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर व्यूअर्स आपको मेरी अपनी मदद आप पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।